दोस्तों, क्या आपने कभी हरा जर्दी यानी ग्रीन यॉर्क वाला अंडा देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये इमेज देख सकते हैं। इस वजह से एक्सपर्ट भी हैरान हो गए सच में, क्योंकि हमने तो येलो यॉर्क वाला ही एग खाया है और देखा भी है इतने सालों से। पर ऐसा क्या कमाल हुआ जिस वजह से ये ग्रीन यॉर्क वाला अंडा हम देख सकते हैं? ये कमाल केरल के एक व्यक्ति के पास ऐसी मुर्गियाँ है जिससे अंडे का जो यॉक होता है वो हरा है। इस बारे में वैज्ञानिकों ने भी पता लगाया कि आखिर में क्यों इन अंडों का यॉक का रंग हरा है। तो आइए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार फैक्ट्स हम जानेंगे। तो ये घटना मल्लापुरम कोटल केरला में रहने वाले शहाबुद्दीन ने बताया कि उनके फार्म पर ऐसे ही 7 मुर्गियां हैं जिन्होंने ऐसा ग्रीन यॉक वाला अंडा दिया है। शुरुआत में तो उनको नहीं पता था, पर जब उन्होंने अपने फैमिली के लिए वो खाने के लिए बॉईल किया तब उन्होंने देखा तो उसका यॉक तो ग्रीन है, और इस वजह से इतना ये वायरल हुआ सोशल मीडिया में, क्योंकि ये तो अमेजिंग बात है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में। ऐसा ये विदेश तक फैल गया इतना तेज़ी से। और उन्होंने शुरुआत में तो ये एग तो नहीं खाया, पर उन्होंने वेट किया ताकि इसमें कुछ अलग हुआ तो वो देखा जा सकता है, पर उसमें तो चूजे ही निकले, जिस वजह से पिछले 9 महीने से वो लोग ये एग को यूज़ कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ खा भी रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि एक्सपर्ट ने इस पहेली को सुलझाया, इसके पीछे क्या रीज़न था? तो जानते हैं। जब केरल के लोकल एरिया में ये पता चला कि शहाबुद्दीन जी के फार्म पर ऐसे 7 मुर्गियां हैं, तो केरल के वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट्स ने कुछ स्टडी करने के लिए वो हैंस को ले गए, वो मुर्गियों को ले गए अपनी यूनिवर्सिटी में। और वहाँ पर डॉक्टर शंकरलिंगम ने बताया कि उनको पूरा यकीन था कि इन मुर्गियों को जो दिए जाने वाला खाना था, इस वजह से इन मुर्गियों का जो अंडे का यॉक है वो ग्रीन हुआ। तो उन्होंने इन मुर्गियों को अलग से खाना देना शुरू किया 2 हफ्ते तक। और बाद में वो स्टडी में ये पता चला कि जो रंग था हरा उसमें चेंज आने लगा, वो पीला हो गया। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि केरला में आमतौर पर मुर्गियाँ जानवरों को पौधे खाने में दिया जाता है, और इस पौधे का नाम कोरोना थोथी बोलते हैं। अगर आप ये गूगल में चेक करेंगे तो इसका साइंटिफिक नेम है सीधा कॉर्डिफोलिया। ये एक मेडिसिनल पौधा है जिस वजह से योग का रंग हरा होता है, और नीला पीला होने की वजह ये हरा हो जाता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं ये खाने की वजह से, मुर्गियों को जो खाना दिया जाता है इस वजह से इसका रंग ग्रीन हो जाता है। तो ये बात शहाबुद्दीन जी ने भी बताया कि वो भी अपनी मुर्गियों को ऐसे ही खाना देते हैं, जैसे पौधे के हरे पत्ते, केले के हरे पत्ते, हल्दी, पालक, इसके अलावा वो चावल और गेहूँ के नारियल भी देते हैं। तो आज हम ये जान पाए कि ये मुर्गियों को जो खाना दिया जाता है इसी वजह से वो रंग चेंज हो जाता है यॉक का रंग। तो आपको ये फैक्ट अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल डिड यू नो को लाइक, अगर आप नए हैं तो वहाँ पर सब्सक्राइब, और वहाँ पर बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा, और साथ ही दूसरों को भी शेयर करिए, कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।